नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको करा रहा हूं अपने गांव की सैर। तो देखिए, कुछ नज़ारा हमारे गांव का कुछ इस तरह से है। यह ऊपर पद्दर शहर, तो हमारा गांव भी यहीं है बीच में, और मैं अपने खेत में आया हूं आज इधर। तो देखिए, यह है कुछ यहाँ का व्यू इस तरह का। तो शाम के बज रहे हैं 6:30 हो गए, 6:35। तो दोस्तों, आज अभी मेरे को फ़ोन आया एक सरकारी क्या बोलते स्टोर में, मधुमक्खी का झुंड बैठा है, उनको दरवाज़ा बंद करना मुश्किल हो गया है। तो मैं जाऊंगा यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर इस तरफ, तो वहाँ से आज मैं एक स्वार्म को उठाऊंगा और उसको अपने बीवेल में घर लेके आऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे। अच्छा हमारा गैलू आई बढ़िया गल नहीं मेला पता नहीं कई बार वहाँ डाला, पर अच्छे ही बैठ रहे थे। अच्छा, दरवाजा मुश्किल है थोड़ा, वाकई करना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है वैसे। बैठे किस टाइम? 4-5 बजे। चलो कोई तो अब इस बीज को हम बॉक्स में डालेंगे। तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, नए बी कीपरों के लिए। अब जो बीज आप बाहर से उठा करके लाए, उसको हम क्या करेंगे, ये बीवेल नीचे से बांध, जो मतलब हमने ऐसे बांध के रखी है, वो नीचे से खोलेंगे और जो हमारी 1-2 फ्रेम में अंदर है, 2-3 फ्रेम में जितना बीज है आप उतनी फ्रेम में दीजिए, और उसको हम नीचे से खुला कर देंगे और इस कपड़े को हम धीरे धीरे ऐसे हटा लेंगे, है ना, फैला देंगे। तो बीज हमारा क्या होगा, नीचे उतर जाएगा अपने आप फ्रेमों में, है ना। झाड़ने की जरूरत नहीं होगी आपको, अगर आप झाड़ेंगे तो क्या होगा, मक्खी ऊपर उठेगी, यहाँ से उठेगी, कुछ यहाँ से उठेगी और फिर क्या होगा, भाग जाएगी, है ना, भागने का खतरा भी रहता है। फिर क्या करते हैं, ऊपर से बोरी डाल दी या कुछ कर लिया, तो वैसा नहीं करना आपने। अगर आप नए बी कीपर है तो आपने मतलब ऐसे बी बेल में है या मतलब किसी और गत्ते के बॉक्स में है जैसे उठा कर लाते हैं, तो आप उसको उल्टा कीजिए धीरे से, बस वैसे छोड़ दीजिए, बीज खुद अपने आप उतर जाता है नीचे। जैसे बी बेल से नीचे बीज जो अब उतर चुका है, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, जो मैं बीज उठा के लाया कल शाम को, तो मैं सुबह इसको डाल रहा हूँ बॉक्स में, ठीक है। अभी मैं छोड़ गया था, मेरा फ़ोन डेड था, तो मैं थोड़ा चार्ज किया फ़ोन, और तब तक ये बीज हमारा नीचे उतर चुका है। तो जो बीज मैं उठा के लाया था, तो देखिए कितना बीज है सारा, आप देख सकते हैं, 3 फ्रेम का, ठीक है, 3 फ्रेम का, ये देखिए। तो इसको मैंने एक छत्ता दिया, देखो ये ब्रूड वाला है ना, तो ब्रूड वाला छत्ता आप देंगे, चाहे थोड़ा कम ही ब्रूड हो, कम है इसमें ब्रूड, ज़्यादा नहीं है, ये देखिए। तो ये है हिसाब से, ये देखिए। तो अभी जो हमारा उतर चुका है नीचे, इस हिसाब से आपको झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर झाड़ेंगे तो बीज काटेंगे भी आपको, अगर आप ऊपर से ऐसे बी बैल रख देंगे तो आपको मक्खी नहीं काटेगी, अपने आप उतर जाएगी धीरे धीरे धीरे। फिर ये बी बैल जो आप उसको लीजिए और नीचे झाड़िए, मक्खी खुद अपने आप एंट्रेंस से अंदर हो जाएगी, ठीक है जी। सबसे आसान तरीका ये, क्यों नहीं, इसकी दिख रही होगी शायद आपको, ये देखिए, है ना,
ये क्यों ना। तो बैठ गया बड़े आराम से, और जो पुराने बी कीपर होते हैं वो तो झाड़ भी लेते हैं, उनको पता होता है कि मक्खी भागने वाली है, तो फटाफट कहीं कुछ कर लेते हैं ना। तो अगर आप नए नए हैं तो आप हिसाब से बिठा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये मधुमक्खियों को बिठाने का, अनजान आदमी भी कर सकता है इसको। और उसके बाद हमको यहाँ जितना बीज है आपका उतना स्पेस रखिए, तभी आपका बीज जो है जल्दी ग्रोथ करेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डम्मी बोर्ड है आपके पास, प्लाई बोर्ड का है, लकड़ी का है, तो भी लगा सकते हैं, तो नहीं तो आप ऐसा गत्ते का पीस लीजिए, उसको ये देखिए इस तरह से लगाइए, वो देखो वहाँ से इसको रास्ता है अंदर जाने के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर इसको हम इसका इनर कवर और टॉप कवर ये लगा देंगे, और बीज हमारा बैठ गया सिंपल। तो अगर नए बी कीपर भाई है मेरे, तो आप इस तरह से कीजिए, और घबराइए नहीं, बड़े आराम से उठाइए, बीज नहीं काटेगा आपको और बैठ जाएगा बहुत आराम से। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप नए नए जो बी कीपर भाई हमारे, वो आसानी से उठा सकते हैं और बॉक्स में बिठा सकते हैं। धन्यवाद।